होता है। अभी हमने यहाँ पे एक डिश ट्राई करी, आई मीन दैट वाज लाइक दैट इज आउटस्टैंडिंग, लेट मी शो यू दैट। एक देना भी और दिखाना, क्या नाम था उसका? खाले। खाले, खाले या फाले? फाले, फाले, फाले। इसमें चिकन भरा होता है जी, है ना, और जो ये ऊपर का ये मैदे का रोटी का आटे का मैदा ना। एक और देना, इसके अंदर ये भरा हुआ नहीं, ये तो मोमोज के लिए आई, ये मोमोज। सो वो दिखाया था उसका वाला। आप जब मतलब रोमटेक की तरफ जाओगे मोनेस्टेरी के पास, राइट साइड में शॉप मिलेगी, काफी अच्छा व्यू है। तो यार एक चीज और मैंने देखना, अभी मैंने देखा यहाँ पे ना, मैंने स्कूटी खड़ी करी है कलिंगपुंग से, कलिंगपुंग से थोड़ा सा पहले ना, यहाँ पे आपको सीढ़ी मिलेगी, ये देखो ये, अगर आप चाहो यहाँ पे एडवेंचर कर सकते हो, बड़ी मस्त जगह है, आप यहाँ भी आओगे आना। और जो मैंने आपको यहाँ पे ले गया था ना वाटरफॉल्स के पास, वाटरफॉल्स से एक बहुत मस्त जगह है यहाँ पे। तो मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी क्योंकि मैं वापस सिलीगुड़ी जा रहा हूँ। सिलीगुड़ी से जाते से पहले ही ना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई आता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। कहाँ से एंट्री ले रहे हैं? एंट्री यहाँ से है। ये देखिए वो ऊपर की तरफ से हो क्या रहा है, जितना हो सके मैं आगे की तरफ जाके देखता हूँ। वो देखिए वहाँ से होके आ रहा है। तो एंट्री कहाँ से ली जाए? वो उस तरफ से रोड देखते हैं जितना लगे जा सकेंगे चलकर। और जब भाई यहाँ पे आए ना, जूते थोड़े सही से पहन के आना, वरना नीचे गिर सकते हैं आप, ठीक है। तो कहाँ चलना है? इस तरफ। पहुँच गया। बैग भी है, कैमरा भी पकड़ रखा है। पहुंच गया यहाँ तक। अब वाटरफॉल वहां से हो रहा है। ओके, यहाँ प्लेन है, आप यहाँ पे ना कैंपिंग आराम से कर सकते हैं। उस तरफ देखो गाड़ी जा रही है सारी कैंपिंग के लिए। यहाँ पे प्लेन जगह, एक दो बंदे रुक सकते हैं भाई, यहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं पर यहाँ कोई रुकता ही नहीं है। तभी मैंने कहा हम रुक जाते हैं फिर। जितना चढ़ने में मज़ा आया ना, ये ध्यान है ना, कलिंगपोंग से पहले ही है ये। इसका नाम मेरे को नहीं पता क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं बताने वाला, ठीक है। बस ये समझ लो कि कलिंगपोंग के पास में ही है। बहुत बड़ा रिव मतलब वाटरफॉल है, ऊपर से यहाँ तक मतलब कितनी बार हो, एक बार वहाँ से गिर रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। काफ़ी अच्छा व्यू है। भाई एक चीज़ और, जैसे मैं तो यहाँ पे आ गया बट यार आप ना जब यहाँ पे आओगे देखो थोड़ा डेंजर प्लेस भी है ये, सांप वाप भी हो सकते हैं, कोई भी डेंजर जानवर हो सकता है जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। और इस तरह की ज़मीन दिखे ना तो पहले उसको दबा के देख लेता है हल्का हल्का पैरों से, उसके बाद ये देखिए बहुत बड़ा अच्छा ट्रैक कर सकते हैं आप वहाँ से। और टेंट चाहो ना मतलब आगे अगर टीम है तो आप काफ़ी आगे पीछे की तरफ लगा सकते हैं। ये देखिए
तो इसमें काफ़ी ऊपर आ गया, रोड तो उस पार चला गया। कैसा लगा? मज़ा आया ना? वो जो लड़का है वो मतलब नहीं, इतना एक्साइटेड नहीं था, तो मैं अकेले ही आ गया। माय गॉड, मस्त था, मज़ा आ गया, मस्त है। तो अब मैं चलता हूँ एक रील बना के। भाई हम लोग वापस सिलीगुड़ी की तरफ, बस अब यहाँ से कुछ थोड़ा देर ही रह गया पहुँचने के लिए। बट एक बात आपको बतानी थी यार, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ मेरा फर्स्ट टाइम था, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। देखो जो नॉर्मल बंदे मेरे ख्याल जाते हैं वो तिस्ता नदी की तरफ से होके जाते हैं, बट भाई वो रास्ता इतना ख़राब है, मतलब रास्ता ठीक है बट बीच बीच में ऐसा होगा ना, अपना पूरी शक्ल कुत्ते वाली बन जाएगी बिल्कुल, इतनी मिट्टी उड़ती है। सोचो आप कभी आओ, खड़ी खड़ी हुई है ये गाड़ी है, और पास में ही मैंने अब तभी करा। तो आप ना आते वक्त वहाँ से आइए, वो घूमते हुए जाइए, मज़ा भी आएगा, कपड़े गंदे नहीं होंगे, और एक ही कपड़े में आराम से आप घूम सकते हो। अगर मतलब एक आप लॉन्ग टाइम से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो एक कपड़े में आप काफ़ी लोकेशन को कवर कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है। मैंने अभी जस्ट खाने के लिए यहाँ पर रुका, तो मेरे को लगा कि आपको बता दूँ मैं कि आप उस तरफ से आइए, मिरिक को टारगेट करिए। मिरिक के बाद सूर्यादी पॉइंट मिलेगा, सिमान मिलेगा आपको, उसके बाद दार्जिलिंग घूमिए, दार्जिलिंग के बाद आप क्या नाम है किंग क्या नाम था यार कलिंगपोंग जाइए। कलिंगपोंग से ना थोड़ा सा पीछे की तरफ ना आपको एक वाटरफॉल दिखेगा, जो आपने मेरे को वीडियो में देखी ना, एक वाटरफॉल है वहाँ पे घूमिए, और या तो आते वक्त घूम लीजिए या जाते वक्त घूम लीजिए। सो वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन थी, इस तरह कवर करोगे सो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पहले ही मतलब तिस्ता नदी वाला जो रोड है, जो हाईवे वो पकड़ के जाओगे तो भाई परेशान जाओगे बहुत, बीच में काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहा है और मिट्टी बहुत उड़ती है। सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी, सो आगे की वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। भूख लगी, खाना खाने जा रहा हूँ फिर मैं।